एबीपीएस न्यूज गांव की स्थिति और आवश्यकताओं को एबीपीएस न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का सिलसिला जारी रखते हुए हमारी टीम जिला अमरोहा के ब्लॉक धनोरा में स्थित मलेशिया गांव पहुंची। इस समय महावीर सिंह को ग्रामवासियों ने अपना प्रधान चुनकर उन्हें यहां के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर तरीके से कराया जा रहा है। लगभग 4000 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 22 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गाँव की दूरी मात्र 3 किलोमीटर ही है। लगभग 1500 वोटर वाला यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसित है। गाँव की मौजूदा स्थिति से रूबरू होते हुए हमने पाया कि गाँव में लगभग 428 राशन कार्ड धारक है। वहीं पता चला कि गाँव में 4 विधवा पेंशन, 4 वृद्धा पेंशन व 5 विकलांग पेंशन लाभार्थी पेंशन का लाभ ले पा रहे हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी विद्यालय में लगभग 40 बच्चे अध्ययनरत हैं। वहीं बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए 25 हैंडपंप लगवाए गए हैं। वहीं 15 और हैंडपंप लगवाने की सरकार से मांग है। वहीं बिजली व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए 100 विद्युत पोल, 5 विद्युत ट्रांसफार्मर, बस व सोलर लाइटें भी लगवाई गई हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में टाइल्स रोड, खडंजे, प्राइमरी स्कूल की बाउंड्री व शौचालय, पानी निकासी के लिए नाला व स्वच्छ भारत मिशन के तहत 100 शौचालयों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए वर्तमान ग्राम प्रधान ने गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, पंचायत घर, आंगनबाड़ी केंद्र, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 60 आवास तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों का भी निर्माण कराने की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। इसी के साथ ही ग्राम प्रधान व ग्रामीणों का कहना है कि गांव में पेयजल पानी दूषित हो चुका है, जिसका मुख्य कारण यहाँ की चीनी मिल है, क्योंकि चीनी मिल से निकलने वाला दूषित पानी गांव के खेतों में खुला छोड़ दिया जाता है, जिससे गांव के कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है तथा कुछ लोग काफी बीमार हैं। इस ओर ना तो शासन और ना ही प्रशासन ध्यान देता है। मलेशिया से और उसमें जो है हमारी समस्या को सुनने वाला तो कोई है नहीं। किसी भी समस्या को एक बताए, कोई विधायक के कायदे में तो जितने जिले की समस्या होती है हर गाँव में 11 मेंबर होने चाहिए और जितने विधायक एमपी या एसओ और जितने हैं उस हर क्षेत्र वाइज से बांट देना चाहिए और इनकी समस्या को देख जमीनी तो को देखता नहीं, सब आसमानी देखने वाले लोग हैं। जितने रास्ते, नाली, खरंजे, गांव में गंदगी, इसे अधिकारियों से कहते कहते तक जाते हैं, सब कागजों में करने वाले हैं भाई। जितने पत्रकार हैं वो भी सब जो पैसे वाले लोग अभी कहने लगे देवेंद्र नागपाल आ जाए, कमर सिंह तमर आ जाए तो उनकी सब समस्या वो पेपर भर के फेंक देंगे। छोटे छोटे लोग सही बात को कितनी किल्ली मचाए तो उनकी कोई सुनने वाला नहीं, अधिकारी पैसे दे देंगे, अपना वो अपना पीछे को लेकर लौट जाते। तो हमारे गांव की समस्याओं का समाधान करवो और नहीं होता है तो हम लड़ने के लिए तैयार बैठे। हम संगठन के साथ इतने जबरदस्त होकर लड़ेंगे कि मरने से हटें ना मारने से हटेंगे। अगर जमीनी लड़ाई लड़ी जाएंगे, अब जमीनी से काम चलेगा, आसमानी से नहीं। अधिकारी भी आसमानी लड़ रहे हैं और नेता जितने बनते सब आसमानी बनते हैं। यहाँ पर हमारे गांव में जो है शुगर मिल भी है मलेशिया के अंदर हमारे गाँव में, तो ये मिल वाले ने भी हमारे यहाँ ग्राम समाज की जो है काफ़ी भूमि हत्या रखी है अवैध रूप से, और हम अधिकारियों से कई बार इस चीज़ की कंप्लेंट कर चुके हैं लेकिन कोई अधिकारी यहाँ को आने की जो सुनता नहीं है। कोई आने का जो प्रयास करता है तो उनको मिल प्रबंधन पैसे दे देता है मिल के उनसे जो है, और मतलब उनको रोक लिया जाता है अधिकारी, और मिल की वजह से हमारे यहाँ पानी ख़राब हो चुका है, जिससे आए दिन कोई ना कोई लोग हेपेटाइटिस सी, क्लड, ब्लड कैंसर से, ये रोग से इनसे पीड़ित हो रहे हैं। काफ़ी कई डेथ हो चुकी है पिछले 3-4 वर्षों में, बहुत तेज़ी आई है।